हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक नया टॉपिक, खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, शासकीय नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है कि व्यवहार में जब वो करप्शन की मनी लेते हैं तो सरकार उसकी जाँच करने के लिए एक विजिलेंस बनाती है, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाती है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाती है और कानून भी बनाती है, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ठीक है, एंटी करप्शन एक्ट 1988, ये सब बनाती है। तो जैसे ही वो शासकीय कर्मचारी धन लेता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, विजिलेंस के लोग, लोकायुक्त के लोग, एसीबी के लोग, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसको मामला बना देते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 1988 में 4 से लेकर 10 साल तक की सज़ा उसको मिल जाती है। पूरा जीवन उसका लगभग तबाह हो जाता है, उसके कोई क्लेम नहीं मिलते, भले ही उसकी 60 साल की नौकरी हो, आखिरी दिन पकड़ा जाए तो सारे क्लेम ख़त्म हो जाते हैं, उसकी ग्रेजुटी, पीपीएफ, जीपीएफ और जीआईएस और रिटायरमेंट की सारी सुविधाएँ, पेंशन वेंशन सब खत्म होकर जेल के सब सरकार अधिग्रहित कर लेती है उसके स्वत्वों को, उसके क्लेम्स को, ठीक है। तो शासकीय कर्मचारियों को इससे बड़ी सज़ा नहीं है, भयंकर बड़ी सजा है। कोई व्यक्ति आखिरी दिन रिटायर्ड हो जाए तो पूरी उसकी पेंशन राजसात हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आगे ये मेरा नंबर है, किसी सज्जन को यदि कुंडली विश्लेषण चाहता हो मेरे से तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है और ये कॉलिंग नंबर है, दोनों नंबर पे बात कर सकता है कुंडली विश्लेषण के संबंध में। तो चलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या लोकायुक्ता, हर एक स्टेट में अलग अलग एजेंसी है, कहीं लोकायुक्त बोलते हैं, कहीं एसीबी बोलते हैं, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो बोलते हैं, अलग अलग हैं, कहीं विजिलेंस बोलते हैं, कहीं सीबीआई अरेस्ट करती है, किसी को पकड़ती है, ट्रैप करती है, तो अलग अलग एजेंसी है। उसके लिए कानून यही है, दी प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, अमेंडमेंट 18 में हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसी कुंडलियों में ऐसे हो जाता है, ये कैसी दशाएँ चलती है जब शासकीय कर्मचारी की, कि वो एकदम से इस तरीके की परेशानी में पड़ जाता है। तो उसका हम लोग थोड़ा सा मंथन करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है कि जब इस तरीके का की समस्या शासकीय कर्मचारी को आ जाती है। तो हमने एक जातक की कुंडली लगाए हैं और ये जातक अभी हाल ही में ट्रैप हो गया है लोकायुक्त से, ठीक है। इस जातक की कुंडली में जातक परिचित है, जातक को मैंने समझाया भी था 1 साल पहले कि भैया तेरा समय काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो उन्होंने इसको सुना या अनसुना किया मैं नहीं जानता, लेकिन सुना जरूर था, काफ़ी सावधानी से सुना था, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं रख पाए वो, आखिर उनके साथ ट्रैप की घटना हुई। कुंडली में देखिए क्या कोई बंधन योग है, इस कुंडली में मैंने जातक तत्वों के जो बंधन योग होते हैं उसको मैंने देखा तो वो लागू नहीं होते, ठीक है। फिर मैंने सर्वार्थ चिंतामणि के बंधन योग देखा, वो भी लागू नहीं होते। फिर मैंने शंभु होरा प्रकाश के बंधन योग देखे, वो भी लागू नहीं होते, सारी चीज़ फेल हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति ट्रैप हो गया और ट्रैप होने के बाद जो है 4 से 10 साल तक की सज़ा पड़ती है। अब मुझे नहीं मालूम इस केस में क्या होने वाला है, लेकिन ट्रैप कैसे हुआ, किन दशाओं में हुआ, उसका मैं विश्लेषण करता हूँ। कुंडली का सामान्य सा विश्लेषण हम करें तो हम देखते हैं कि कुंडली में जो शुक्र है, दसवें शुक्र साफ सुथरा बैठा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शनि की दृष्टि है और शनि भी सस्टेस होकर दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है, मतलब विवाद स्पष्ट समझ में आता, शनि सस्टेस होकर दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इस कुंडली में एक और खास बता देखिए बात है, इस कुंडली में नवमेश मंगल भाग्येश नीच का है और ये भाग्येश D9 में भी नीच का है और तो और ये पुष्कर नवांश में भी है, ठीक है। लेकिन जब जातक के साथ ये घटना हुई तो उस समय कोई मंगल की दशा नहीं चल रही थी। एक चीज़ सिंपल समझ में आती है कि भाग्येश का कमज़ोर होना, जीवन के किसी मोड़ में कब आदमी धोखा खा जाए कोई ठिकाना नहीं है। मंगल और चंद्र अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, है ना, मंगल के साथ चंद्रमा कई बार जातक को हिंसक प्रवृत्ति का भी बना देता है, ये अच्छा योग नहीं है, ठीक है। मंगल के साथ चंद्रमा, नीच के मंगल के साथ चंद्रमा, एक जातक की कुंडली में हमने ये योग यहाँ देखा था, धनु लग्न की कुंडली में था, जातक पागल हो गया, घर से भाग गया, ठीक है। तो मंगल के साथ, नीच के मंगल के साथ चंद्रमा का योग अच्छा नहीं है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में बड़ा काम का योग, एक लड़की को हमने डॉक्टर देखा है ऐसे योग के साथ,
विदेश में MBBS कर रही, मंगल के साथ चंद्रमा, ठीक है। अनेक ग्रहों की अलग अलग संरचनाएं होती है, कुंडली की अलग अलग संरचना होती है, ठीक है। अब इस कुंडली में क्या देखते हैं, पहले मैंने बताया कि भाग्यश तो यहाँ नीच का है, देखिए ये दसवें शुक्र D9 में नीच का हो गया है। सूत्र है, जो ग्रह D9 में नीच के होते हैं वो नीच के ही कहलाएंगे, ठीक है। और मंगल तो है, मंगल D9 में नीच का है, और पूर्णतः ये मंगल जो है, इसका मतलब दसवें और नौवें दोनों नीच के हो गए, तो तकलीफ तो होनी ही होनी है, ठीक है। जिस कुंडली में दसवें भी नीच का हो जाए और भाग्यश भी नीच का हो जाए तो तकलीफ होनी है, ठीक है, तकलीफ हुई। अब हम देखते हैं शनि को, शनि अमात्य कारक है, जो नौकरी के लिए काफ़ी जिम्मेदार है, परेशानी में डालने के लिए भी जिम्मेदार ग्रह होते हैं। शनि वर्गोत्तम है, देखिए, ठीक है, अच्छे हैं, और D9 में शनि फिर कुंभ राशि में जाके ही चले गए हैं, तो शनि की स्थिति अच्छी ही बनी हुई है। अब इस कुंडली हम देखते हैं, लग्न कुंडली में अष्टमेश का ज्ञातिकारक होके नवम में बैठा है। मैं जिस कुंडली में भी देखता हूँ कि अष्टमेश नवम भाव में आता है, मैंने अनफॉर्चुनेट होना उनके साथ देखा है, अष्टमेश का नवम में आना, वो भी जेमिनी का ज्ञातिकारक है, ये सबसे कम अंक जिनके अंश होते हैं उसको ज्ञातिकारक, ठीक। और देखते हैं कि भाई कुंडली में क्या विशेषता है, इस कुंडली में, इस कुंडली की एक विशेषता ये है कि शनि महाराज, देखिए यहाँ छठे भाव को देखते हैं, दसवें भाव को देखते हैं और लग्न को देखते हैं, तो शनि इस कुंडली में षष्ठेश है, षष्ठेश का दशम को देखना ये कभी भी विपत्ति में ला सकता है। और ये कोर्ट कचहरी का भाव है भैया, कोर्ट कचहरी का मालिक शनि यहाँ बैठ गया है, चतुर्थ हो गए, दस को देखता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम ये देखते हैं कि मंगल का क्या कोई रोल है क्या, मंगल का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ना मंगल बुध को देखता जिसकी दशा चल रही है, ना मंगल शनि को देखता, ना मंगल गुरु महाराज को देखते, तो इसमें मंगल का कोई रोल हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब D10 कुंडली में देखते हैं, हम D10 कुंडली में ये दशमांश ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और जो लग्नेश है वो लग्नेश D10 कुंडली में नीच के हो गए भैया, तो व्यवसाय में मुसीबत आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्या देखते हैं, 64वां नवमांश भी देखेंगे। इस कुंडली का 64वां नवमांश क्या था, लग्न कुंडली से नव ये था मकर, और चंद्र कुंडली से था वृश्चिक राशि। तो जब ये व्यक्ति का जातक का ट्रैप हुआ तो शनि महाराज कहाँ चल रहे थे जानते हो, मकर राशि में चल रहे थे। और यदि ये सिद्धांत है कि 64वें नवमांश पे जब शनि का गोचर हो तो जातक के जीवन में काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो जातक के जीवन में तकलीफ हुई, अब आगे बढ़े, इतना मैंने जितना बुद्धि थी सब बता दिया मैंने, ठीक, इससे ज़्यादा मेरे को बुद्धि है भी नहीं यार, फिर खाली मेरा दिमाग। अब हम देखते हैं कि यार जब जातक ये पकड़ाया तो क्या क्या दशा चल रही थी, विंशोत्री दशा चल रही थी। विंशोत्री में क्या चल रहा था, बुध शनि और गुरु, चलो चलो देखते हैं, बुध शनि गुरु चल रहे थे, है ना। तो हम बुध शनि गुरु को देखते हैं कि यहाँ क्या है, बुध महाराज क्या है, बुध महाराज इस कुंडली में तीसरा और छठे के ये लाभेश हैं और जो है ये धनेश हैं। तो ये उपचय की दशा भी काफ़ी तकलीफदेह हो जाती है, उपचय है, ऋषि पाराशर ने उपचय स्थान को कोई शुभ नहीं बताया है, ठीक है। इसके बाद चली बुध में शनि, शनि तो है बिल्कुल षष्ठेश, ठीक है। और फिर क्या चली, बुध शनि गुरु, देखो केन राव साहब ने अपनी किताबों में लिखा है, यदि बुध की सॉरी षष्ठेश की और अष्टमेश की अंतर्दशा चल जाए तब तो भगवान ही बचाए उसका, ठीक है। तो इस कुंडली में बुध के साथ बुध की महादशा, षष्ठेश की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर चली, और गुरु जेमिनी का ज्ञातिकारक का भाग्यस्थान हुआ, भाग्य को कमजोर किया, अनफॉर्चुनेट हुआ, ठीक है। अभी गोचर भी देखते हैं, तो ऐसी दशा चली। और क्या चली जेमिनी में, जेमिनी में मीन और कन्या की दशा, मीन राशि की दशा। अब देखो मीन राशि ये है भैया, ये मीन राशि है, ठीक है, अष्टम स्थान की दशा चली, तकलीफ होगी। और अष्टम से 7, 8, 9, 10 ये धनु राशि, 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं, ठीक है। तो ये मीन की ये एट ए ग्लांस पता लग गई कि यार अष्टम स्थान की दशा चल रही है और कन्या की, ठीक है। अब इसको हम कुंडली बना लेते हैं, इसकी किसकी, चर दशा की,
ये चर दशा की दशा हमने बना ली, बारह स्थानीय कुंडली, तो ज्ञाति कारक गुरु ये आठवें स्थान को देखता है। ठीक है, और कोई ज़्यादा तो मैं इसमें चीज़ें नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने ये पकड़ा कि ये लग्न कुंडली से आठवां भाव है। ठीक है, और जो कन्या राशि है उसमें केतु बैठा है। हमने ज़्यादा इसका कोई बहुत विश्लेषण नहीं कर पाए, मोटा मोटा ही विश्लेषण हम कर पाए। ठीक है, जितनी बुद्धि चली करे यार, सारे फार्मूले मिल जाए एक ही जगह, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अब हम योगिनी दशा को देखते हैं। योगिनी दशा लगाए हमने, फिर उसका स्वाति नक्षत्र की पिंगला चल रही थी वो लगाए, और उस पद की कुंडली बनाए, उस पद की कुंडली बनाए तो तुला राशि की कुंडली बनी। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दशा चली भैया। बुध की चली, बुध जो है नवमेश और द्वादशेश भी है, नवमेश हो के शुभ, द्वादशेश हो के काफ़ी ख़राब, तो ये नवमेश की दशा चली। और ये शनि हो गया यहाँ पंचमेश, और ये गुरु महाराज हो गए षष्ठेश। ठीक है, फिर षष्ठेश का चक्कर आ ही गया, लेकिन आप लोग जानते हो कई बार पंचमेश की अंतरदशा काफ़ी ख़राब होती है। क्यों खराब होती है? ये दशम से अष्टम है, तो पंचमेश की दशा में नौकरी छूट जाती है, पंचमेश की दशा काफ़ी खतरनाक होती है। ठीक है, और अब इस हम जब ये बनाते हैं हम, तो दसवां भाव देखो, जब हम योगिनी लगाते हैं और उसकी स्वाति की पिंगला लगाते हैं और तुला पद है इसका, तो ये बाकायदा दसवां भाव अष्टम भाव में आ गया। ठीक है, ये काफ़ी तकलीफ दे, और मंगल और चंद्रमा यहाँ आ गए, तो जातक की मना स्थिति भी बताता है कि बिल्कुल उसने कुछ चीज़ों का विचार नहीं किया और जो है अपनी इमोशंस में, भावनाओं में ढलता गया, और मतलब मनमानी तरीके से काम किया, किसी की कोई सलाह नहीं सुना, और ये मंगल चंद्र में उसको फंसना पड़ा, लोगों ने उसको फंसवा दिया। देखिए, जब ट्रैप होता है तो आप पे ट्रैप लगाया जाता है, आपको फंसाता है। जो अभियोजन पक्ष होता है, जो विजिलेंस होती है, ब्यूरो होता है ना, चाहे CBI हो, लोकायुक्ता हुआ, ये ट्रैप का जाल बुनते हैं और काफ़ी क्रूरता से फंसाते हैं आपको। ठीक है, कोई मदद नहीं करते, कई बार झूठी कहानी भी ट्रैप के लिए रचते हैं इन लोग, इसका सावधानी रहना चाहिए शासकीय कर्मचारी को। अब इसमें हम देखते हैं जन्म कुंडली के बाद हम गोचर भी तो देखेंगे यार, किन गोचरों से हुआ। हमने गोचर में बहुत कोशिश करी, पहली चीज़ तो हमको मिल गई कि भाई शनि जो महाराज थे 64वें नवमांश में चल रहे थे, और 64वें नवमांश में जब चलता है ग्रह, ठीक है, उस राशि पे, तो जातक के जीवन में काफ़ी तकलीफ आती है। तो ये लग्न से मकर राशि के 64वें नवमांश में चल रहे थे, जो जातक का छठा भाव था, तो शनि महाराज ने जातक के छठे भाव को एक्टिवेट कर दिए। अब वो किस नक्षत्र पे चल रहे थे, तो सोच शनि महाराज जो है धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे थे दूसरे चरण में। सही, धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? देखो, देव केरलम और नाड़ी ग्रंथों में लिखा है कि तारा, विपक तारा, संपत तारा, वत तारा, मित्र तारा, प्रत्यरी तारा, तो इसका जन्म लग्न से, लग्न कुंडली से के शनि का गोचर धनिष्ठा चरण दो पे चल रहा था, जो जातक के जन्म तारा से 16वां तारा था वो वध तारा था। वध तारा में भयंकर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार डेथ हो जाती है, जेल में जाना पड़ता है, तकलीफ बढ़ती है, तो वध तारा में ये जातक ट्रैप हो गया। वध तारा काफ़ी अशुभ है। CS पटेल साहब, चंदूलाल पटेल साहब की किताबों में इसके विषय में काफ़ी लिखा है। ठीक है, और देवकेरलम में भी काफ़ी लिखा है। ठीक है, और तो और आपको एक और किताब है, जातक सत्याचार, ध्रुव नाड़ी के सिद्धांत, उसमें भी तारों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वध तारा था, ट्रांजिट हमने देख लिया, इसके बाद 64वां नवमांश देख लिया, और देख लेते हैं और क्या देखे हमने। हमने ये देखा कि इस कुंडली में दशमेश क्या है, दशमेश शुक्र है। अब आगे चलते हैं, हम पहला वाला टेवा लगाते हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखो, इस कुंडली का दशमेश शुक्र है ना, तो शुक्र से यदि कोई त्रिकोण में पापी ग्रह आए, तकलीफ होगी दशम भाव को। ये यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया, और यहाँ से त्रिकोण देखो 1, 2, 3, 4, 5 मकर राशि कन्या से त्रिकोण में है, स्वयं राशि में आए या त्रिकोण में आए और शनि आया पापी ग्रह, तो दशम स्थान को तकलीफ हुई, जातक ट्रैप की जैसी घटनाओं से गुजरा और काफ़ी तकलीफ में आ गया। अब फिर दूसरा गोचर देखते हैं। इसके बाद जब ट्रांजिट में उस दिन, जिस दिन जातक के साथ घटना हुई, उस दिन 22 अप्रैल 2022 को लगभग 12:15 बजे, उस समय देखिए सूर्य इंडिकेशन करता है चीज़ों को घटना घटित होने के लिए, ऐसा जातक चंद्रिका में लिखा है यार। अब क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है,
जातक चंद्रिका में लिखा है, एक छोटा सा श्लोक है, काफी दमदार है और मददगार है। अंतर्दशाधिपे क्षेत्रे वर्तते भास्करे यदा तस्मिन काले दशा प्रोक्त फलम भवति निश्चितम। अर्थात अंतर्दशा काल में जब अंतर्दशा पति के क्षेत्र में सूर्य जावे तब उस अंतर्दशा पति का फल निश्चित रूप से होता है। क्षेत्र कहते हैं राशि को, ठीक है। तो देखो सूर्य यहाँ पे गुरु को एक्टिवेट किया, सूर्य जैसे ही यहाँ पे आए तो 14 अप्रैल को जो सूर्य था वो मीन राशि में था, ठीक है। तो जैसे ही मीन राशि को एक्टिवेट कर दिया था, ये गुरु को एक्टिवेट कर दिया था कार्रवाई करने के लिए, और जैसे ही सूर्य में गए और इसके बाद सूर्य से वो ज़्यादा 5-6 दिन गए होंगे, सूर्य उसकी ज्ञाति कारक में लगभग 8 डिग्री के हैं सूर्य, और ये सूर्य का हमने इस कुंडली के राशि से मिलान किए, कहाँ मिलान होती है ये सूर्य की डिग्री किसी से मिलती है कई अंशों में, तो ये भृगु बिंदु से मिलती है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, भृगु बिंदु से पर से शनि का गोचर काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें इस कुंडली में भृगु बिंदु से तो कोई गोचर हमने नहीं देखा, और 2 नंबर की राशि पे कोई हमने सिर्फ गुलिक और मांदी का हमने गोचर देखा। भृगु बिंदु से गुलिक और मांदी जैसे अप्रकाश ग्रह जो काफ़ी पापी होते हैं, इन ग्रह का हमने देखा कि भृगु नंदी से गुलिक और मांदी जा रहे हैं, ठीक है। और सूर्य जो है जन्मकालीन गुरु पर से जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, ये गुरु पर से सूर्य बुध राहु का, राहु के ऊपर से गुरु का गोचर फल दर्पण, डॉक्टर कर्नल गौड़ साहब की किताब है, गोचर फल दर्पण गौड़ साहब की किताब है, कर्नल अशोक कुमार गौड़ उन्होंने लिखा है, राहु के ऊपर से गुरु का गोचर या गुरु के ऊपर से राहु का गोचर काफी खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये गोचर ने ऐसे परिस्थिति बना दी, सूर्य ने इंडिकेशन दे दिया, और देखिए भृगु बिंदु 8 अंश 35 कला पे है, और यहाँ पे सूर्य 7 अंश 58 कला पे है, सूर्य उस समय ज्ञातिकारक हो गया था, ठीक है, खतरनाक स्थिति में, और जातक के साथ इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया। और उस समय जो होरा चल रही थी, काल होरा सूर्य की होरा चल रही थी जो कोर्ट कचहरी की ओर इंडिकेट करती है, और उस दिन के हिसाब से सूर्य की होरा अशुभ थी, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों का मिलान करके हम ये जाने कि कैसे घटनाएं घटित होती है, तो हमने ये निकाला कि ट्रैप जैसी घटनाएं कैसे जातक के जीवन में घटती है और उसका पूरा का पूरा जीवन तबाही की ओर चला जाता है, काफ़ी तकलीफदेह होता है, ये बहुत तकलीफदेह होता है। और कैसी सभी दशाओं ने इशारा किया, देखो जैमिनी अष्टम स्थान की जैमिनी चल रही थी, मीन की दशा तकलीफ दी ना, तो उस तरीके से ये फलित हमने दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो अब आपकी बारी है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो करना करो यार, अपन नहीं कभी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना दुकानदारी चल रही धीरे धीरे, ठीक है। उम्मीद है मेरा वीडियो उन लोगों को अच्छा लगेगा जो लड़के नया ज्योतिष सीख रहे हैं, बेचारे मिडिल क्लास के हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास, बहुत बड़ी बड़ी फीस वो नहीं दे पा रहे हैं, कोई 12,000 में अष्टक वर्ग सिखा रहा है, कोई 4,500 में D1 सिखा रहा है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो ऐसे वीडियो देख के सीखते हैं, ठीक है। आपके पास नहीं है पैसा कोई बात नहीं, इतने वीडियो है, ढेरों वीडियो हैं जो आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हैं, बस कम से कम 5-6 अच्छी टेक्स्ट बुक आप ले लें, क्लासिक टेक्स्ट बुक ले लें, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जातक तत्वम, सर्वार्थ चिंतामणि, और जो है एक तो सीताराम झा की ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र, फल दीपिका, सारावली, इन ग्रंथों से ही इतना सीख जाओगे कि किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल दीपिका है ना, और जो गोपेश कुमार ओझारा की त्रिफला, सुगम ज्योतिष, और एक छोटी सी और किताब है जातका देश मार्ग चंद्रिका, इन किताबों से ही काफ़ी भंडार हो जाएगा। आप इतना ही पढ़ लिए ना, इतनी किताबें से आप ज्योतिष सीख जाओगे, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और सूर्य महाराज की जरूर पूजा करें जिसको ज्योतिष सीखना, बिना सूर्य के आशीर्वाद के, ठीक है, हम कैसे ज्योतिष सीखेंगे भाई। तो ये वीडियो हो गया लगभग 20 मिनट का, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करिए, और किसी जातक को और कुछ क्वेरी है तो अपना वहाँ पर लिखिए, ठीक है, यथासंभव समय मिलेगा तो जवाब मैं दूंगा। कई बार क्या रहता है कि जो आप प्रश्न लिखते हो कमेंट बॉक्स में तो वो उसका उत्तर इतना बड़ा होता है कि यूट्यूबर को लगता है यार कि इसको मैं जवाब दूँ तो पागल हो जाऊँगा लिखते लिखते, तो ऐसे समय में आप मेरे से प्रश्न मत करिए, आपको बहुत क्वेरी है तो उठा के सीधे कॉल करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। हरे कृष्णा बोल के वीडियो रखता हूँ।
बंद करता हूँ।